मेज में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आज तीसरा दिन है, यहाँ पर किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, सेना की टीम है, जो यहाँ सरकार की मशीनरी है पीडब्ल्यूडी की, वो यहाँ पर काम कर रही है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हमारे साथ हैं, करम सिंह। सर बताएं जरा, अभी तक सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ हासिल हुआ है, कुछ क्या संभावनाएं आपको लग रही है और किस तकनीक का सहारा आपने लिया है? सर अभी फिजिकल सर्च, टेक्निकल सर्च कंटिन्यूसली चला हुआ है, कंबाइंड जॉइंट ऑपरेशन चला हुआ है आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ऑल स्टेक होल्डर्स के द्वारा, जैसे कि चाहे सीपीडब्ल्यूडी हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, हर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन चला हुआ है। कंटिन्यूसली हर एक टीम, रेस्क्यू टीम्स अपना फुल एफर्ट कर रही है, जो भी बॉडीज वगैरह हैं उनको सर्च आउट करने के लिए। जैसे ही ये पुल जाने की स्थिति में होगा, यहाँ पर अभी जो सेना के जवान हैं, अंतिम रूप इसको दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पार जाने के लिए व्यवस्था की गई है। पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछले कल बारिश हुई थी, लेकिन दुखद बात यह है कि जो 36 लोग लापता हैं, उनमें से किसी का भी कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। यहाँ पर सेना की टीम के अलावा एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी के जवान है, न्यूज 18 की पूरी टीम अब नाले के इस पार यानी शिमला जिला में पहुंच चुकी है, जहां पर जो घर दबे हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो किस तरह से अब जो इनको कार्य सौंपा गया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। ये इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, लाइव डिटेक्टिंग इक्विपमेंट इन्हें कहा जाता है, और इसके सहारे ये पीछे कोई इंसानी जिंदगी है, कोई मलबे के नीचे दबा हो सकता है, उसको मदद की दरकार है, उसके लिए इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर अपना जो उपकरण है इन्होंने लगा दिया है, और यहाँ से अब कोशिश की जाएगी कि इसके जरिए कुछ पता लगाया जा सके। और ये भी आपको बताते चले कि ये जो बेली ब्रिज सेना ने बनाया है, और सेना के जरिए ही सभी लोग, चाहे वो अलग अलग विभागों के लोग हैं, वो इनके जरिए आ रहे हैं, और जिसमें सेना के जवानों के अलावा एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जो लोग हैं, और ये बिजली विभाग के कर्मचारी, देखे राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी इसी के सहारे यहाँ पर पहुंचे हैं, और कोशिश की जा रही है कि बिजली को रिस्टोर किया जाए। बिजली अगर ये रिस्टोर हो जाती है तो उससे भी बहुत सारे काम जो ये खोजी दल है, बचाव दल है, इनको उससे आसानी होती है। और अब कोशिश यहाँ पर की जा रही है इस उपकरण के सहारे यहाँ पर जो इंसानी जिंदगी है उसका पता इससे लगाया जाए। और आप देख सकते हैं कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं, कितनी डरावनी ये तस्वीरें हैं, पूरा का पूरा घर किस तरह से मलबे में अब तब्दील हो गया है, और कितनी बड़ी चट्टान इसके ऊपर आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो कोशिश यहाँ पर कर रही है कि किसी तरह से यहाँ पता लगाया जा सके कि कोई नीचे दबा हुआ है या नहीं।